हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटर बड़ी। मेरा नाम है शुभम और आज हमारे पास में है 2023 की KTM एडवेंचर 390X। जी हाँ दोस्तों, ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये आ चुकी है अपडेट के साथ में। ये मतलब है E20 जो अभी अपडेट आया है उसके साथ में आ चुकी है। तो हम जानेंगे कि क्या पावर मिलती है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और इसके प्राइस क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देर किस बात की, आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। और चैनल पर पहली बार चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले मैं करता हूं इसके प्राइस से कि आखिर इसका प्राइस कितना है, क्योंकि प्राइस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑन रोड प्राइस, मैं एक शोरूम नहीं बताऊंगा, मैं ऑन रोड बताऊंगा, इसका ऑन रोड प्राइस है यूपी लखनऊ में 3,37,000 रुपए। जी हाँ, 3,37,000 इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है, जो कि प्राइस मैं कहूँगा काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, काफ़ी शानदार चीज़ हो जाती है। क्योंकि जिस हिसाब से इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है ना, ओवरऑल जब आप साइड में कहीं बाइक खड़ी करोगे तो काफ़ी अलग ये आइडेंटिटी अपनी देती है, काफ़ी अलग नज़र आती है। ओवरऑल अगर आप लुक देखोगे तो रियल एडवेंचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चाहे आप इसको खराब रास्तों पर चलाओ, चाहे आप हिल स्टेशन पर लेकर जाओ, तो ये आपको अच्छा खासा साथ देने वाली है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे यहाँ पर इसके टायर के पैटर्न हो, या इसके अलावा यहाँ पर जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है 200 mm का, इसके अलावा जो यहाँ पर इसके लिए सेफ्टी गार्ड्स दिए गए हैं ना, ये भी आप देखेंगे कि मतलब अगर आपकी बाइक गिरती भी है तो आपको हार्म नहीं होने देगी, ये चीज़ें हो जाती हैं। वहीं इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे अच्छा खासा गैप देखने को मिल जाता है, मोनोशॉक ऑब्जर्वर आ जाते हैं। वहीं जो इसका यहाँ पर ग्रैबरल आप देख रहे हैं ना, काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, मतलब आप सामान वगैरह यहाँ पर रख सकते हो। सीट की बात करें तो सीट काफ़ी लंबी मिल जाती है और सीट हाइट आ जाती है अराउंड 855 mm के आसपास। मतलब एक लगभग 5.5 से 6 फीट का बंदा होगा उसके लिए बेहतर रहेगा, अदरवाइज इसके जो भी इसमें छोटा उससे हाइट वाला बैठेगा ना, उसके पैर हमेशा हवा में रहेंगे। सीट अच्छी है, फ्लैट सीट यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, मतलब इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, लॉन्ग राइड करते हो, तो कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। वहीं अगर मैं इसके कलर स्कीम की बात करूँ ना, तो ये यहाँ पर जो ये ब्लू कलर यूज़ किया गया है और इस ऑरेंज कलर पे काफ़ी गुड लुकिंग हो रहा है, और जब आप रोड पे निकलोगे लेके तो अच्छी रोड प्रेजेंस भी देगा। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ये E20 लिखा हुआ है, यानी अब यहाँ पर क्या है, एथेनॉल 20% ब्लेंड हो सकता है पेट्रोल में। इसके अलावा यहाँ पर OBD भी मिल जाता है, यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। इससे क्या है कि आप एक टूल है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो और देख सकते हो कि रियल एमिशन कितना, रियल टाइम एमिशन कितना है। मुद्दा ये है अपडेट करने का कि पोल्यूशन कैसे कम से कम किया जाए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो काफ़ी चौड़ा इसका हैंडल बार आ जाता है। यहाँ पर क्या है ना, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉर्मल स्विचेस आ जाते हैं। हॉर्न का है, इंडिकेटर का है, यहाँ पर लो बीम हाई बीम का है, और ज़्यादातर आपने KTM की बाइक में देखा है ना कि एडजस्टेबल लीवर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं दी गई है। और इधर यहाँ पर कल गार्ड भी देखने को मिल जाता है, आगे की तरफ में यहाँ पर ऑरेंज कलर का दिया गया, जिससे देखने में अट्रैक्टिव लगता है। दूसरी चीज़ है, हैंड को भी प्रोटेक्शन मिलता है। साइड मिरर भी देख रहे हैं, काफ़ी छोटे डिज़ाइन किए गए, लेकिन विजिबिलिटी अच्छी है। जो यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आ जाता है LCD के साथ में, अराउंड 5 इंच के आसपास में ये डिस्प्ले दी गई है। और काफ़ी अच्छी यहाँ पर इसके फॉन्ट विजिबिलिटी मिल जाती है, बिल्कुल क्लियर है। अभी धूप में मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी विजिबल, इधर टाइम आ रहा है, इधर टैकोमीटर है, इधर यहाँ फ्यूल इंडिकेटर है, और इसके अलावा यहाँ पर ये डिफरेंट गियर इंडिकेटर आ जाता है। जैसे अभी फ्यूल कम है तो यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जा रहा है। बाकी इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर कितनी रेंज बची हुई है, ये सारा आप यहाँ से चेंज कर पाते हैं। ट्रिप का दिया गया है, ABS इंडिकेटर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या दिया गया है भैया, आजकल USB केबल के ज़माने में कंपनी ने यहाँ पर ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सिस्टम दिया है, जो कि मुझे लगता है यहाँ पर एटलीस्ट यार इनको यहाँ पर USB केबल लगा कर देना चाहिए। और इसका हैंडल बार देखेंगे आप, यहाँ पर KTM की बैजिंग देखने को मिल जाती है। जो यार इसकी चाबी है ना, चाबी की यार वर्किंग काफ़ी अच्छी है, अच्छी डिज़ाइन यहाँ पर इसकी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ फ्रंट की बात करें ना, तो फ्रंट पर आप देखेंगे कंप्लीट LED लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे तो यहाँ पर LED DRL जलते हुए नजर आएंगे, बाकी कंप्लीट यहाँ पर हेडलाइट जो सेटअप दिया गया है वो LED के साथ में आ जाता है। जो इसकी विंड स्क्रीन है ना, ये एडजस्टेबल मिल जाती है, मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, ज़्यादा विंड ब्लास्ट है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको राइड करनी है। यहाँ 320 mm के आसपास डिस्प्ले दी गई है, स्लीपर क्लच भी आ जाता है, और इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर डुअल चैनल ABS के साथ में ये बाइक आ जाती है। टायर साइज़ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टायर साइज़ मिल जाता है 100x90 सेक्शन का, 19 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा रियर पर, तो रियर के टायर उससे और ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, और रियर टायर मिल जाता है 130x80 सेक्शन का, 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं। ओपन यहाँ पर
चेन देखने को मिल जाती है। बाकी लिक्विड कूल के साथ में जाता है, पावर जैसा मैंने आपको बताया 43.5 पीएस की मिल जाती है और टॉर्क मिल जाता है 37 एनएम के आसपास में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी रखी गई है, मतलब जो पैसा कंपनी ले रही है वो यहाँ पर इसमें वैल्यू भी दे रही है। एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको करा देता हूँ कि आखिर इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है ना, सच में मैं कहूँ काफ़ी लाउडर है और अच्छा खासा साउंड आपको सुनने को मिल जाता है। जब आप बाइक को खींच रहोगे तो अलग साउंड ये प्रोड्यूस करता है। अक्सर हम देखते हैं ना बाइक में, जब आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हो, लॉन्ग राइड पे, तो क्या है कि वहाँ पर हीटिंग जैसा इशू आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, जिससे क्या है फ़ायदा हो जाता है कि आप एक लंबी दूरी तय कर सकते हो एक कम समय में। तो ये चीज़ें अच्छी हो जाती है, मतलब पावर के साथ साथ में यहाँ पर क्या है कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है। बड़ा सा यहाँ पर आगे की तरफ में ये रेडिएटर आ जाता है और रेडिएटर की भी डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पर कर्व टाइप की रखी गई है। तो दोस्तों ये थी 2023 की एडवेंचर X390। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।